हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी बताते हैं। ये देखिए, हमने बेसन कप में लिए हैं, 2 कप लिए हैं। ये 400 ग्राम के करीब है। अब हम घी डालेंगे। 2 स्पून घी लेना है। गैस को हमने ऑन कर लिया है। ये देखिए, हमारा घी जो है पिघल गया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, घी को इसमें अच्छे से मिला लेना है और फ्राई करते रहना है। करीब 5 मिनट तक हमें लगा इसमें समय फ्राई करने के लिए। इलायची डालेंगे। हमने इलायची के बीज को कूट लिए हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, बेसन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। अब हम चाशनी बना लेंगे। हमने 1 कप चीनी लिया है। 1 कप चीनी के 1/4 हमें पानी लेना है। इस तरह से हम पानी को डाल लेंगे और चाशनी तैयार करेंगे। चीनी को इस तरह से मिलाते रहना है। ये देखिए, चाशनी हमें 1 तार का बनाना है, तभी हमारे बेसन के लड्डू बढ़िया बनेंगे। इस तरह से 1 तार की चाशनी हमें बना लेनी है। अब हम इस चाशनी पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़े थोड़े करके बेसन में चाशनी को ऐड करेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी और चाशनी डालेंगे। अभी ये देखिए, थोड़ी थोड़ी करके चाशनी को डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे हमें, ये देखिए, इसमें छोटे छोटे बॉल्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इसको हाथों की सहायता से हटा लेना है। अब हम घी लेंगे। घी हम हाथों में इस तरह से फैला लेना है और बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। देखिए, लड्डू तैयार है। ये देखिए, बेसन के लड्डू। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। इस तरह से डाल लेंगे। थोड़ी सी पिस्ता डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बिल्कुल तले हैं।